हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेटल सेक्टर से आज मैंने एक कंपनी लाया हूँ जिसका नाम है शिवालिक बाय मेटल कंट्रोल लिमिटेड। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो, बाय मेटल कॉइल्स और स्प्रिंग बनाती है, उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील बनाती है, और देखा जाए तो शोल्डर स्ट्रिप बनाती है जो कि दो मेटल पार्ट को ज्वाइन करने में मदद करता है, और संट रजिस्टर बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में काम आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग और उसमें जो जॉइन करने के लिए यूज़ होता है स्ट्रिप्स, उसका प्रोडक्शन करती है। अगर इसके एप्लीकेशन का जहाँ यूज़ देखा जाए, कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इवन एग्रीकल्चर और एनिमल अप्लायंसेस में भी इसका यूज़ होता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो अच्छे है, और अगर कंपनी का थोड़ा और डिटेल में देखा जाए तो देखते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बायोमेटल स्ट्रिप बनाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया अभी स्टेनलेस स्टील बना रही है, और ये कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है जो थर्मोस्टेट बायोमेटल स्ट्रिप्स बनाते हैं, उसका 52% रेवेन्यू वहाँ से आता है, और जो संट रजिस्टर है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में रेजिस्टेंस का काम करता है, उससे 48% का इनका रेवेन्यू आता है। अगर इस कंपनी का जो रेवेन्यू देखा जाए तो इंडिया से इस कंपनी का जो रेवेन्यू 40% है, अमेरिका से 35%, और यूरोप और रेस्ट ऑफ द कंट्री से बाकी का जो 46% वो आता है। दोस्तों, इस प्रकार ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर कंपनी के रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी ने अभी पिछले 1-1.5-2 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मल्टीपेगर रिटर्न दिया है, जैसे कि 5 दिन में 5% के, 1 महीने में 24%, और जैसे जैसे और दूर जाते तो बहुत अच्छे, 6 महीने में 106%, वो कि अच्छे शानदार है, 1 साल में देखोगे तो लगभग 500% के रिटर्न दिया है इसने। तो कोई भी पैसे को अगर आपने 10 रुपये डाले होते तो आपके पैसे को इसने कम से कम 10.5 रुपये कर दिया रहता, सॉरी 50 रुपये से ज़्यादा कर दिया रहता। तो लगभग इसका जो रिटर्न है 1 साल में 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में देखोगे तो 1390% के रिटर्न है, और जैसे दूर जाओगे और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 में जब से कोरोना आया था, पहला वेव था अप्रैल में, तब इसके लिए 21 रुपये थी, तब से ये स्टॉक बढ़ ही रहा है। जैसे कि मैं अगर चार्ट लगाता हूँ 5 साल में, तो आप देख सकते हो अप्रैल 9th में इसकी जो वैल्यू थी ये लगभग 24 रुपये, लगभग आज से 2 साल पहले, और तब से ये स्टॉक भाग ही रहा है एक ही डायरेक्शन में। और दोस्तों, ये स्टॉक इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया और ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका जो रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैं इसका पैरामीटर की बात करता हूँ तो 2000 रुपये की एक माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं, स्टॉक का भी अपने इंडस्ट्री पे से कम है, और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि लगभग 23 और 19 है, जो कि दिखा रहा है कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपये के बराबर है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट पहले जो कि एक सिंगल डिजिट में था, अब वो डबल डिजिट में आ गए पिछले 2 सालों की बात करते हैं तो, और ये 2 डिजिट में बढ़ ही रहा है, 13, 16, 18, 21, तो दिखा रहा है कि क्वार्टर रिजल्ट जिस कंपनी का कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जो पहले आज से 2-3 साल पहले जो सिंगल डिजिट में था, डबल डिजिट में आके भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, पहले 10, 11, 14 करोड़ था, अब वो 36 करोड़, 21 करोड़, अब एकदम 36 करोड़ से जो जंप लिया 67 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अच्छी, काफ़ी अच्छी शानदार कंपनी है। और अगर बैलेंस शीट में बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इसका जो कर्जा है कंपनी का 40 करोड़ 29 करोड़, तो कर्जा तो लगभग उतना ही है इस कंपनी में, इंक्रीज तो नहीं है, जो कि दिखाता है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है परंतु कर्जा उतना का उतना ही है, कंपनी कर्जा कभी बढ़ा ही नहीं। और इसका जो रिजर्व है, रिजर्व देखो ऑलमोस्ट बढ़ती ही जा रहा है, पहले जो 40 करोड़ था, फिर 65, 75 करोड़, फिर 100 करोड़ में आया, अब 156 करोड़ हो गया। तो कंपनी दिखा रही है कि उसका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, कर्जा उतना का उतना ही है, जो कि अच्छा खासा शानदार है, अच्छी बात बताता है। और अगर इसकी कंपनी की हम अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, 10 साल में 58% का रिटर्न दिया है। एक्चुअली ये 58% का रिटर्न इसलिए आया है कि अभी 1 साल में इसने लगभग 1300 गुना के परसेंट, जो हमने बताया 1 साल में लगभग इसने कम से 500% रिटर्न दिया, 5 साल में 1300% रिटर्न दिया। इसके कारण इसका जो 10 साल का CAGR है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हो गया। अगर आप कंसीडर करते हो तो ये कंपनी को अगर पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी शानदार कंपनी है, और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इक्विटी बढ़ रहा है,
तो आप ऐसे स्टॉक देखना चाहते हैं जो स्मॉल कैप हो, सॉरी स्मॉल कैप नहीं माइक्रो कैप बोल सकते हैं, 2000 रुपये की करोड़ की कंपनी, तो ऐसे स्टॉक जो पोटेंशियल लगता है आगे बढ़ने का और जो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है और सब कुछ अच्छा दिख रहा है इस कंपनी में। इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर का 60% होल्डिंग है और पब्लिक के लगभग 40% होल्डिंग है, तो अच्छा खासा ग्रिप है प्रमोटर्स का इस कंपनी के ऊपर, तो कंपनी बहुत अच्छी है। और अगर इसके हम बात करते हैं ये कंपनी के डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी देखिए 2020 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया, उसके पहले 2021 में भी दो बार डिविडेंड दिया है, 20 में भी 0.3% का 0.3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, 2019 2018 2017 सब में इसे डिविडेंड है, तो एक अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, कंपनी का जो रिटर्न है अभी पिछले 1 और 5 साल में अच्छा बढ़ते ही आ रहा है और पैरामीटर्स भी काफ़ी शानदार है। अगर इसके पीएस की बात करते इस सेक्टर में, जैसे कि सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और CWC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बात करते हैं, तो इसका जो पी है ये 41 का है, बाकी का पी थोड़ा बाकी कंपनी कम है, परंतु ये इसका जो पी अपने इंडस्ट्री पी से एकदम ही आधा है, इंडस्ट्री का पी 90 के करीब है, तो इसका जो पी है उसके आधे से कम है, तो अभी पोटेंशियल काफ़ी है इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का। और डेबिट इक्विटी रेशियो 0.25 है, जो कि दिखाता है कि कर्जा बहुत कम है इस कंपनी के ऊपर, तो ओवरऑल पैरामीटर में कंपनी अच्छी दिख रही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें निवेशित कीजिए। थैंक यू।